बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू बाबू व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो शुरू हो गया क्योंकि जी आपको पता है कि सामान लेने गए हुए थे, सामान वगैरह हम लेके आ चुके थे और सामान अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुँच भी गया था क्योंकि वहाँ से हमने बिल्टी वगैरह करवा दी थी और तकरीबन जो दो दिन बाद सामान हवाएगा पहुँच गया था। अब जो है तकरीबन काम जो है ना सामान वो लगने वाला जो टाइम है वो आ चुका है। सीढ़ियाँ हम लेके आए थे, सीढ़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें लग चुके हैं, अभी मुकम्मल नहीं हुई क्योंकि इस साइड पे जो है ना वो स्कर्टिंग वगैरह अभी लगनी है लेकिन कुछ हद तक कंप्लीट हो चुकी हैं। और इसके अलावा जी अभी गट्टा मिट्टी फुल हुआ पड़ा है, ये देखें माशाल्लाह फुल गट्टा क्योंकि यहाँ पर टाइल लगनी है ये वाला एरिया पर सारे, और इस एरिया में भी सारी टाइल लगनी है तो वहाँ पे जो है ना ये जो पेंट वगैरह पहले लगा हुआ था इसको ख़त्म कर रहे ताकि टाइल जो है वो गिर ना जाए क्योंकि बाहर वाला जो हिस्सा है वहाँ पे हमने इसी तरह टाइल लगा दी थी तो वो टाइल नीचे गिर गई थी पेंट की वजह से। अब यह कि पहले इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे, साफ़ करने के बाद जब टाइल लगाएंगे तो फिर जो है ना कोई खतरा नहीं होगा। ये देखें जी अभी काम शाम शुरू हो गया और अभी माशाल्लाह टाइल ऊपर लगना शुरू हो चुकी है, यहाँ तक लग चुकी है और यहाँ पर पहुँची होगी ये भी तकरीबन आधी लग चुकी है और आधी अभी जो वो माशाल्लाह बाकी है। इसके बाद ये मुकम्मल करके वो ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो कंप्लीट करेंगे। अभी माशाल्लाह 12 तक भी लगे चिंता है माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको पता है जी 12 रबी लेवल, कल 12 रबी लेवल है तो इसी हिसाब से हम जो है वो अभी केक का ऑर्डर देने जा रहे हैं। कल इंशाल्लाह 12 रबी लेवल केक काटेंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो केक जो है वो हम ऑर्डर देने जा रहे हैं, कितने पाउंड का बनेगा वो भी आपको बताते हैं, कितने का बना वो भी आपको इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। काशिफ भाई और मियाँ साहब दोनों खड़े हुए हैं, तीनों हम जा रहे हैं वहाँ पर केक का ऑर्डर देने। हाँ जी कितने का, कितने पैसे इकट्ठे हो गए? तकरीबन 30 पाउंड हो जाएगा। 30 पाउंड हमारा जेन था कि 20 पाउंड का, लेकिन पैसे अलहमदिल्ला काफ़ी हो गए हैं तो अब 30 पाउंड का जो है हमारा जेन बढ़ रहा है। मजीद दुकान पे देख के जो रेट रेट है वो पूछेंगे और फिर इसको फाइनल करेंगे। तो अभी निकलते हैं दुकान के लिए और अंदर आप गट्टा देख सकते हैं कि क्या बुरा हाल हुआ पड़ा होगा। अलहमदिल्ला जी पहुँच चुके हैं अल हबीब स्वीट एंड बेकर्स पे और यहाँ पे जो केक का रेट है वो भी फाइनल कर रहे हैं क्या रेट से चल रहा है क्योंकि रेट जो है मुख्तलिफ मार्केट में मुख्तलिफ रेट है क्योंकि आज कल सीज़न भी है और सीज़न के हिसाब से हमें पता है कि 12 रुपये लोगों पे या फिर और इवेंट हो जैसे ईद का इवेंट होता है तो उस इवेंट पर जो है रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी फाइनल जो भी होगा इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और कितने पाउंड का बनाना है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। अभी बार्गेनिंग चल रही है, रेट शेट हो रहा है, पता चलता है कि कितने का। 15 minutes later केक का ऑर्डर हमने फाइनल कर लिया है, तकरीबन हमने 40 पाउंड का केक किया। रेट जो है वो प्राइवेसी होती है, रेट हम शेयर नहीं कर सकते। तो ये है कि 20-20 पाउंड के जो है ना वो हमारे दो केक होंगे। ठीक हो कम दसर भाई इंशाल्लाह दो केक क्योंकि ये हम दसर भाई का मशवरा था कि आप दो केक कर रहे हैं, 40 की बजाय अगर दो तो हो जाए बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है तो कल तकरीबन आप हमें शाम तक दे दें इंशाल्लाह, मगरब के बाद इंशाल्लाह। ठीक हो गया मगरब के बाद इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम क्योंकि सारा दिन जो आपको बताएंगे केक बना खा कर थक जाता है लेकिन शाम को जो है ना वो तकरीबन ठीक हो जाता है मामला। तो इंशाल्लाह मगरब के बाद केक काटेंगे आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे और जो केक बनेगा वो आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। ये मुदस्सर भाई की मोहब्बत होगी कि वो कैसा बनाते हैं इंशाल्लाह जी, सरकार के नाम का आला ही बनेगा इंशाल्लाह। चले जी मियाँ साहब चलो शुक्रिया भाई मेहरबानी थैंक यू। केक का ऑर्डर देकर भी घर पहुँच चुके हैं, केक इंशाल्लाह जो हमें कल शाम तक मिल जाएगा और अभी काम जो है वो कंटिन्यू है, अभी काम जो है मुकम्मल नहीं हो सका। ये देखो अभी कटिंग वगैरह चल रही है, ये हमारा स्टील का सामान जो हमने ऑर्डर किया था उस दिन वो तकरीबन 2-3 दिन बाद हमारे पास पहुंच गया था। इसमें जितनी बजट हुई थी वो सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की थी पिछली वीडियो में। तो ये अभी मीटर को 15 दिन मेरा ख्याल होने चुके हैं, मीटर को जो 15 दिन होने वाले हैं इसके जो है वो चेंज कर देते हैं ताकि यूनिट जो है वो 200 से ऊपर ना गुजर जाए। तो इसको करते हैं चेंज बिस्मिल्लाह, ये चेंज हो गया। फाइनली जी ग्राइंडर वाले भाई जो है वो अपना काम तकरीबन जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। ये देखें यहाँ पे भी ग्राइंडर लग चुका है और यहाँ पे भी टोटली जो है ना ग्राइंडर लग चुका है, यहाँ पे टाइल जो है वो आसानी से लग जाएगी और टाइल का जो काम है वो भी तकरीबन ये एक दो पीस रह गए हैं इस साइड पर और दूसरा उस साइड पर पीस लगेगा। ये देखें तकरीबन फाइनल हो चुके हैं लेकिन ये नीचे नीचे थोड़ा सा काम रहता है, ये भी इंशाल्लाह क्योंकि कल ईद मिलादुन नबी है तो कल तो छुट्टी होगी लेकिन यह है कि इंशाल्लाह परसों आगे बाकी जो काम है वो इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा, वो भी फाइनल होगा और साथ जो है यहाँ पे जो टाइल वगैरह लगनी है वो इंशाल्लाह और कुछ सीढ़ियों का काम है। अब थोड़ा थोड़ा काम जो है वो रह गया इंशाल्लाह, वो भी एक दो दिन तक वो भी तकरीबन फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह।
अभी बाहर का जो माहौल है वो भी आपको दिखाते हैं कि बाहर जो गली से जा रहे हैं ये देखें, थोड़ा सा व्यू नज़र आ रहा है बाहर से। अभी बाहर जाकर मजीद मैं आपको दिखाता हूँ कि माहौल कैसा बना हुआ है। मिस्त्री साहब काम शाम करके चले गए हैं जी, और अभी नहा दो के मैं भी फ्रेश हो चुका हूँ। अभी इस वक्त मौजूद है जी गली में, और माशाल्लाह गली बाजार जो है ना माशाल्लाह मुकम्मल तौर पर सजे हुए हैं। अभी लड़के लगे हुए हैं वो सामने काम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस ये है कि अभी हमारा घर जो है वो वैसे ही पड़ा हुआ है, उसकी वजह यह है कि हमारा काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। मैंने सोचा था कि मिस्त्री साहब जो है वो पहले पहले 12 रबी लेवल से पहले काम जो है वो हमारा ख़त्म कर देंगे, तो फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम था कि पूरा घर सजाएंगे, लेकिन यह है कि काम मुकम्मल नहीं हो सका, इस वजह से हमारा प्रोग्राम जो वो पेंडिंग हो गया। मैं लाइट वगैरह जो वो नहीं लगवा सका, इसलिए जो लाइटें लगी हैं वो जलाई हुई हैं, ऊपर वाली कुछ ख़राब है और ये चली हुई हैं। बाकी इंशाल्लाह काम जो है वो पीछे लड़के कर रहे हैं, इंशाल्लाह जैसे ही फाइनल होगा इसकी फाइनल लुक जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ जो है सुबह शेयर करेंगे। सुबह वाली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ पूरी डिटेल से सारा इसका रिव्यू और 12 रबी अव्वल का जो सारा माहौल है इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे बाज़ार है, जो मेन बाज़ार है, उसकी अभी लुक देख के आए हैं, वो आप क्लिप देख सकते हैं। इंशाल्लाह माशाल्लाह कमाल की उसका व्यू बना हुआ है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग हुई है और उसका व्यू जो है ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है। ये है कि टाइम तकरीबन 10 बजे का हो रहा है, तो इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। और ये देख सकते हैं अभी लड़के काम कर रहे हैं, और इनको तकरीबन जो है वो अभी 2-3-4 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है, क्योंकि छोटा छोटा काम होता है, सजावट का काम होता है, डेकोरेशन का काम, उस पर जो है ना टाइम ऑटोमेटिकली ज़्यादा लग जाता है। तो इंशाल्लाह जो भी सुबह हुआ इंशाल्लाह वो आपके साथ इसकी पूरी लुक जो है वो शेयर करेंगे।